नाम लोकेश शर्मा है, मैं बेसिकली द्वारका से हूँ। मेरे को एक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, एक स्किन की प्रॉब्लम थी और एक मेरी आई साइट की प्रॉब्लम थी जिसको यूवीआईटिस बोलते हैं बेसिकली। सो ये ऑलमोस्ट मुझे करीबन 15 साल से थी। अर्थराइटिस का तो मैंने बहुत इलाज कराया, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, ऑलमोस्ट मेरे सारे टेस्ट हुए। इवन मुझे आरआर हॉस्पिटल आर्मी में, जो यहाँ आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें ही मैंने दिखाया। वहाँ पर मुझे करीबन 80,000 के इंजेक्शन लगे, पर उसका भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। 2 साल बाद फिर वो प्रॉब्लम मुझे आई। उसके बाद मेरे को मेरे एक रिलेटिव थे, उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी करीबन कई सालों से। तो वो देने इसके टीवी के थ्रू यहाँ आए थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनकी वाइफ को अब परमानेंट क्योर हो गया। ऑलमोस्ट उन्होंने भी अपनी वाइफ का एलोपैथी में करीबन 10-12-14 साल इलाज कराया, बट उनको भी कोई रिलीफ नहीं था। बट यहाँ उन्होंने 2 या 2.5 महीने के आसपास ट्रीटमेंट लिया और आज 6 या 7 साल हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मुझे यहाँ के लिए रिकमेंड किया था, तो मैं इसलिए यहाँ आया था। तो स्किन की जो मेरे को प्रॉब्लम थी, वो मेरे को लगता है इन्होंने मेरे को एक सिर्फ इतना बताया था कि नींबू के साथ आप सौंधा नमक यूज़ करिए, जो आपकी स्किन की दिक्कत है। वो मुझे करीबन 6 साल से थी और वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। मैंने शायद 2 महीने यूज़ किया और आज 1 साल हो गया मुझे, वो दिक्कत नहीं है। मेरे आँखों में यूवीआईटिस की प्रॉब्लम हुआ करती थी। यूवीआईटिस की प्रॉब्लम में मेरे एक्चुअली आँखों में रेडनेस आ जाती थी, स्वेलिंग आ जाती थी, मेरे को ब्लर्ड इमेज दिखती थी, देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद होता यह था कि मैं बिल्कुल धुंधला दिखना शुरू हो जाता था और एक आँख से दिखना बंद हो जाता था। मैंने उसका करीबन इसका भी 10-12 साल इलाज कराया, तो ऐसा होता था कि 2-3 महीने रहती थी, फिर ठीक हो जाती थी 6-7 महीने, फिर दोबारा आती थी। फिर स्वामी जी ने मेरे को एक आई ड्रॉप जो इनकी है वो मैंने यूज़ की, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे, अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई है। ऐसे ही मेरे को जॉइंट्स में भी काफ़ी रिलीफ है, जॉइंट्स में मेरे कोई पेन नहीं है, कमर में कोई पेन नहीं है, स्वेलिंग कहीं नहीं है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अभी दर्द है, तो थोड़ी बहुत भी मैं दवा ले रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी मेरी 2 डिजीज़ जड़ से ख़त्म हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए।